काठमाडौँ स्थित मिथिला ए आर्ट ग्यालरीमा कलाकार मिथिला देवी यादवको मिथिला पेन्टिङ एकल प्रदर्शनी भइरहेको छ। 8 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा कलाकार यादवको लगभग 2 दर्जनभन्दा बढी पेन्टिङ राखिएको छ। काठमाडौँमा धेरै पटक आफ्नो पेन्टिङ प्रदर्शनी गरिसक्नु भएकी मिथिला यादव मिथिला पेन्टिङको अवस्थामा सुधार नभएको प्रति चिन्तित हुनुहुन्छ। अखन त 7 दिनके छ, लेकिन हम शुरुआत जे कैलिए तऽ हम शुरुएमे एहिठाम रहऽ लगलिए, जेकि हमरा महागुठी कहलखिन कथी महागुठीसँ मार्केटिंग मैनेजर कि अहाँ जाइ छी अबै छी ताहिसँ नहि हेतै, अहाँ एहिठाम रहू, जेना बायर सब अबै छै तऽ अहाँके बजाकऽ इंटरव्यू सब लैए तऽ अहाँके मार्केट बढ़िआँ हैत, बढ़िआँ अहीँके लेल होत। 2062 सालदेखि काठमाडौँमा मिथिला आर्ट ग्यालरी चलाउँदै आएका सुन्दर यादव मिथिला पेन्टिङको बजार व्यवस्थापन गर्नु नितान्त आवश्यक रहेको बताउनुहुन्छ। मिथिला पेन्टिङको बजार बढाउन र बढ्नु आफैमा ठुलो चुनौती रहेको छ। नेपालमे त यी केना चाहिँ भगवानै भरोसे चले छ, अखन तलिक कोनो बजेटे नै छ मिथिला कलामे, आ जेहो बजेट केनहार अखनी प्राज्ञा भेल छ, प्राज्ञ सब ओ सब जे बजेट लाबै छै तऽ ओकरा जाते आते गाड़िए भाड़ामे सिर जाइ छै ओ बजेट। जै कलाकार ल जाक चाहि जगरमे ओहि ठाउँ नै जाइ छै, नेपालमे बड़का भारी कमजोरी छै। मिथिला पेन्टिङलाई विश्व स्तरमा पहिचान दिलाउन धेरै नै आवश्यक रहेको प्रदेश नम्बर 2 की सांसद डाक्टर रीना यादव बताउनुहुन्छ। मिथिला पेन्टिङबारे किशोरकालमै रुचि जगाउन आवश्यक रहेको डाक्टर यादवको सुझाव छ। जैसे कि साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिस ये सब विषय अनिवार्य रूप से चलता है, वैसे ही आर्ट को भी अनिवार्य रूप से चलाया जाए 2 नंबर प्रदेश में, और वहाँ पर शिक्षा प्रणाली इस तरह से बनाई जाए कि जैसे कि सारे टीचर कंपलसरी होते हैं वैसे ही आर्ट के टीचर भी कंपलसरी हों, क्योंकि ये पूरी 6 वर्ष की पढ़ाई होती है, 4 वर्ष का बैचलर होता है, 2 साल का इसमें मास्टर्स होता है, और जब एक आर्टिस्ट बन जाता है तो उसके पास रोजगार कहीं नहीं कुछ होता है। काठमाडौँको ठमेल स्थित मिथिला ए आर्ट ग्यालरीमा भएको मिथिला यादवको एकल प्रदर्शनी फाल्गुन 23 गतेसम्म चल्नेछ।